अच्छा, तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर थोड़ा सा मेरा जो समझदारी मैं बताता हूं। देखिए, माइथोलॉजी बोलिए और पौराणिक कुछ भी बोलिए, वो एक कहानी है। कहानी है मतलब उस समाज में रहते हुए जो लोग थे उन लोगों का सृष्टि, मतलब वो कुछ बनाए, वो कुछ तैयार किए। हो सकता है एक लिटरेचर की फॉर्म में हो, कि जहां लिखने का स्थिति नहीं था, श्रुति की फॉर्म में हो, मतलब कविताएं की फॉर्म में हो। पर जब भी आप ऐसे तरीके का एक क्रिएटिव कुछ करते हैं, एक कुछ बनाते हैं, नेचुरली वो आउट ऑफ द ब्लू होता है। ऐसा नहीं, आउट ऑफ द ब्लू मतलब उस समय उस समाज में कुछ नहीं था, पूरा का पूरा कल्पना था, ये भी होता नहीं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, उससे शायद थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे सोचिए, शरतचंद्र ने पथ के दावेदार रचना किए थे। उनमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे सब्यसाची है जो मेन प्रोटागोनिस्ट मेन कैरेक्टर है, सुमित्रा है, उसके बाद भारती है, अपूर्व है। ये जो कैरेक्टर्स हैं शरतचंद्र ने, ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि वो अपनी कल्पना से ही बनाए होंगे, जाहिर सी बात है, कल्पना तो है ही है। बट अगेन, वो उस समय का समाज परिस्थिति में जो लेखक है, जो लिख रहा है, उसका डिजायर, उसका समझदारी, जो समाज के समझदारी के साथ जुड़े हुए होता है, वो मिलते हुए एक शिल्प के रूप में एक नॉवेल, एक उपन्यास आया। अभी अगर कोई पूछे शरतचंद्र ने जो लिखा है वो क्या पूरा कल्पना है, नहीं, पूरा वास्तव है क्या, नहीं, वो भी नहीं, क्योंकि सब्यसाची बोल के कोई वास्तव में कोई लोग जीता था क्या, नहीं, अपूर्व बोल के कोई सच में आदमी था क्या, नहीं, वो क्या था तब, वो कवि की कल्पना में, लेखक की कल्पना में एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में होता है। सब्यसाची को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस समय का जो गैर समझौतावादी धारा का जो क्रांतिकारी होते थे उनका रिप्रेजेंटेशन। अपूर्व को दिखा रहा है कि उस समय का आम लोगों के अंदर जो सोच है आजादी को लेकर, कि उनका अपनी जिंदगी से लाचार होते हुए कभी कभी आजादी में भिड़ जाता, आजादी आंदोलन में भिड़ जाता है, कभी कभी उससे वो बाहर आ जाता है, इस टाइप का जो फ्लोटिंग जो माइंड सेट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इससे कहना क्या चाहता हूँ कि उस समय का, फॉर एग्जाम्पल आप रामायण को ले लो, जिसको हम आज की स्थिति में बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत शायद समझ लेना चाहिए। रामायण को अगर अच्छे से देखो, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है अगर वाल्मीकि की आंखों में ही देखे, कि राम जैसा एक पुरुष होना चाहिए, आदर्श पुरुष, अपनी कल्पना को मिलाते हुए कोई एक कैरेक्टर बिल्डअप किया। इसका मतलब क्या ये है कि वो आउट ऑफ द ब्लू कल्पना कर लिए, उस समय समाज में ऐसी कोई स्थिति नहीं था। हाँ, उस समय एक्चुअली मैं अगर बताऊं आपको, रामायण लिखा जा रहा है करीब 600 BC, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ऑलमोस्ट 700 से 600 BC में हमारा जो वाल्मीकि लिख रहा है, माने अभी तक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमें यही पता चलता है कि वो जो लिखा गया है उसी पीरियड में। उस पीरियड में आप अगर देखो क्या पीरियड था, वेदांत वाला पीरियड था, माने वैदिक युग खत्म होते हुए वेदांत वाला पीरियड है। और उस समय छोटे छोटे क्लैन हुआ करता था, क्लैन मतलब वो गोष्ठी, और वो छोटे छोटे क्लैन का राजा हुआ करता था, उनके अंदर लड़ाई भी होते थे। इनफैक्ट और अच्छे से अगर आप देखोगे कि जो रामायण का कहानी है, मैं जस्ट बताने के लिए बोल रहा हूँ कि कुछ वास्तविकता है बट उससे कई गुना ऑब्वियसली इमेजिनेशन भी है। वास्तविकता क्या है, जो लड़ाई हो रहा है, क्या हो रहा है कि राम जाकर श्रीलंका में और लंका में जाकर रावण को फाइट कर रहा है। एक्चुअली इससे एक चीज थोड़ा बहुत हिस्टोरियन लोगों ने भी, मैं जहां तक पढ़ पाया हूँ वहां से मुझे जो समझ में आया, वो बोल रहा है ये था एक्चुअली उत्तर का जो लोग उनके द्वारा दक्षिण में आक्रमण, दक्षिण में आक्रमण, और उसको बोला जाता है इन्वेशन, इट इज एन इन्वेशन बाय द नॉर्थ टू द साउथ। इसको और बेहतरीन रूप में आप बोलोगे, ये जो आर्यन पॉपुलेशन जो भारत, उत्तर भारत में आए थे, उनका दक्षिण की तरफ जाना और लड़ाई करते करते उसको हराते हराते जाना। तो इट इज ये जो राम रावण के साथ जंग लड़ रहा है, इसका जो कहानी है, इसका भी एक आधार है। फिर से वो कहानी जैसे जैसे फैलते गया, जैसे आद्रिका ने भी बोला, पूजा भी शायद, मुझे याद नहीं, विकास भाई भी शायद बोले होंगे, जैसे जैसे फैलते गया वैसे ऐसे वो बदलता भी गया। जैसे वाल्मीकि वाला जो रामायण है उसमें राम मांसाशी है, मतलब वो नॉन वेजिटेरियन है, तो नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि उस समय का जो सोसाइटी था, उस समय का जो क्लैन सोसाइटी, मोस्टली क्लैन में जो रहते थे,
खेती बाड़ी करने का उतना मौका नहीं है, जंगल में रहने का ही बहुत से समय रहना पड़ता है कि मजबूर होते हैं, तो खाएंगे कैसे, गुजारे करेंगे कैसे, नेचुरली उसको नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। लेकिन आगे चल के जब तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहा है, रामचरितमानस कब लिखा जा रहा है, 16th सेंचुरी में, जब ऑलरेडी हमारा सिस्टम में फ्यूडल मतलब खेती बाड़ी का बहुत अच्छा डेवलप हो गया, सब कुछ हो गया, तब जाकर रामचरितमानस में तुलसीदास दिखा रहा है कि राम वेजिटेरियन है। देखो परिवर्तन हुआ। तो कवि क्या करता है कि एक लेखक क्या करता है, उस समय का परिस्थिति के आधार पे जो जो उनको सही लगता है, जो जो उसको डिजायर, और उसके साथ डिजायर मतलब वो चाहते हैं समाज में वो, और साथ साथ कुछ इमेजिनेशन लगाता है। जैसे देखो वो बोल रहा है, हनुमान आसमान में उड़ता है। अभी कभी देखे हो हनुमान को आसमान में उड़ते हुए? आज भी देखे हैं क्या? क्या इन लोगों ने बोल पाएंगे कि पहले हनुमान उड़ता था, ये मुस्लिम लोगों ने हमारी देश में आने के बाद हनुमान के अंदर से उड़ने का क्षमता चला गया, ऐसा हुआ है क्या, ऐसा संभव है क्या? लेकिन रामायण में आपको मिलेगा हनुमान उड़ रहा है। वो देखे हैं हनुमान को लाफ मतलब वो जो जंप देते हुए, उसको और आगे बढ़ाते हुए वो दिखा रहा है कि वो उड़ भी सकता है, इमेजिनेशन कुछ देखे हैं उसको और जोड़ते हुए और इमेजिनेशन करते हुए वो उड़ रहा है। उस समय का जो मेडिकल साइंस था बहुत ही रूडिमेंटरी था, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय कुछ हद तक आयुर्वेदा, पर्टिकुलरली वैदिक युग में आयुर्वेदा काफी डेवलप हो गया था, बुद्धिस्ट लोगों ने बाद में उसको और डेवलप किया। तो आयुर्वेदा डेवलप हो गया मतलब क्या है, जड़ी बूटियों के बारे में, पेड़ पौधे का जो उपकारी गुण है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी था। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि जड़ी बूटी से मरते हुए एक आदमी को आप बचा दोगे। मोर्टल वुंड मतलब इतना ज्यादा, वो जो लक्ष्मण का, लक्ष्मण को तीर मार दिया गया, वो मरने वाले हैं, हनुमान आकर वो जो पर्वत में आकर वो संजीवनी, बंगला में बोलते हैं विशल्यकरण, संजीवनी लेकर जा रहा है उसको बचाने के लिए। ऑब्वियसली इतना क्षमता नहीं था, इतना आयुर्वेदा का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत उनको पता चला था कि कुछ कुछ जड़ी बूटियां हैं जिससे उनको कुछ राहत मिल सकता है। तो उसको और एक्स्ट्रापोलेट करते हुए, उसको और आगे आगे बढ़ा चढ़ा के सोचते हुए ये कर दिया कि ऐसे कोई संजीवनी होंगे जिससे वो एकदम मरते हुए लोग, जिसको बोला था मोर्टल वुंड माने वो बचेगा नहीं, ऐसी हालत में भी उसको बचाया जा सकता है। तो मतलब उस समय का जो जड़ी बूटियों के बारे में थोड़ा बहुत अगर आइडिया ना होता तो ये संजीवनी की कल्पना कभी क्या आउट ऑफ द ब्लू कर सकते थे? नहीं कर सकते। उस समय कुछ समाज में था, लेकिन उसी को और आगे बढ़ाते हुए मतलब कल्पना से आगे बढ़ाते हुए कभी जो डिजायर करता है, डिजायर मतलब क्या है, वो कल्पना में सोचता है कि ऐसे होने से अच्छा होगा, जैसे शरद चंद्र ने सब्यसाची को लेकर सोचे, ये गाइडलाइन जैसा दे दिए क्रांतिकारी मूवमेंट में, आजादी मूवमेंट में, कि ऐसे क्रांतिकारी बनना चाहिए। तो एजेंसियली हमारा जो वाल्मीकि है वो इसी सोच के आधार पे, हालांकि बोला जाता है कि वो कई स्टेप में लिखा गया, जो भी है इसी के आधार पे रामायण आया। और ये माइथोलॉजी कैसे है और क्यों है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है पता है, जो एजेंशियली हमारा अद्रिका ने भी बोला है कि जहां 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 आपको रामायण की कहानी सुनने में आएगा, उसको आप अगर इकट्ठा करो, डॉक्यूमेंट करो, तो देखोगे करीब 300 तरीके का भाषण मिलेगा, 300, और वो इतना अलग है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मैं बता दूं, वाल्मीकि ने लिखा है करीब 700 से 600 BC माने बिफोर क्राइस्ट इस पीरियड में, और करीब 500 BC से बुद्धिज्म शुरू हो जाता है। उसके बाद जो रामायण का भाषण जो बुद्धिस्ट लोगों ने एडप्ट किया है, उसको बोला जाता है दशरथ जातक। उनमें हैरान होने की बात है क्या है, राम और सीता भाई बहन है। उधर भी राम को ग्लोरीफाई किया गया, इसका मतलब वो चाहते थे ऐसे कोई आदर्श पुरुष हो। वो एक तरीका दे दे रहा है कि आप जिंदगी तो जियोगे लेकिन अच्छा हो करके जीना है, तो अच्छा करके जीने का तरीका क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा, राम जैसा बनो। तो उधर दिखा रहा है राम और सीता भाई बहन है, ऊपर से उधर कोई रावण की कोई बात ही नहीं है। दशरथ राम और सीता भाई बहन को जंगल में भेज रहा है, वनवास में भेज रहा है, क्योंकि उनका जो सतमा है, सतमा मतलब जो जो कैकेयी है, वो इनको सह नहीं पाते, इनसे इनके खिलाफ साजिश करता रहता है, उनके बचाने के लिए दशरथ भाई और बहन राम और सीता को जंगल भेजता है। उसके बाद ही आ रहा है कि ऑलमोस्ट कॉन्टेम्पररी आ रहा है जैनिज्म, महावीर का जो जैनिज्म, उन लोगों ने भी इस रामायण को एडप्ट किया। उधर भी राम को बहुत ग्लोरीफाई किया गया, लेकिन अल्टीमेटली देखा क्या जा रहा है, रावण को मारने के लिए राम ने ही लक्ष्मण मार रहा है। क्यों? क्योंकि राम को तो ग्लोरीफाई कर किया जा रहा है, उन आदर्श पुरुष होना चाहिए, और जैनिज्म में
वायलेंस की कोई ये नहीं दिया जाता, मान्यता नहीं दिया जाता, नॉन वायलेंस की बात करते हैं, वो इवन एक छोटे से चींटी को भी नहीं मारते। तो राम एक आदर्श पुरुष होते हुए रावण को कैसे मारेगा, मार ही तो नहीं सकते, और अगर वो मारे तो राम को जो आदर्श पुरुष के रूप में दिखाया जा रहा है वो दिखा नहीं पाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, वो दिखा रहा है कि अल्टीमेटली लक्ष्मण जाकर रावण को मारा। मैं इससे क्या कहना चाहता हूं, एक एक समाज में एक एक मानसिकता एक एक विश्वास के आधार पे एक एक लिटरेचर वो तैयार करता है जो एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में उस सोसाइटी में काम करता है। तो इसीलिए रामायण जैसे जैसे फैलता गया उसी समाज के आधार पे राम को ही ग्लोरीफाई कर रहा है, उसका भी एक कारण है, मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन वो एडॉप्ट करते करते जा रहा है, और ऐसे करते करते 300 ऐसे रामायण है, 300। अभी मैं वापस आता हूं, तब इसको मैं इतिहास मानूंगा कैसे, इतिहास क्या जगह के हिसाब से बदलता है। अशोक के बारे में, महामति अशोक के बारे में हम जो जानते हैं वो क्या उत्तर भारत में एक है और दक्षिण भारत में और एक है, कि इवन कोई अमेरिकन स्कॉलर अमेरिका में बैठ कर इंडिया का इतिहास पढ़े, उनके लिए क्या अशोक का कहानी अशोक का इतिहास अलग हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके लिए चाहिए ऑब्जेक्टिव प्रूफ। ये ऑब्जेक्टिव प्रूफ के लिए आता है इतिहास। इतिहास किसी का मनगढ़ंत बात नहीं है, उसको प्रमाण चाहिए होता है। जैसे आप कौन थे, मैं भूल गया हूँ, आर्यन हो और कोई हो, आप एक प्रश्न किए थे, कैसे पता चलेगा था? बोल रहा है देखो इतना बड़ा रामायण है, इतना जंग की कहानी है, कहीं तो जाकर कोई तो सबूत मिलेगा। हो सकता है रथ की चक्का कहीं गिर गया हो, कि मिट्टी के नीचे खोद के मिला हो, कि रामायण में वर्णित हुई वर्णित होते हुए पुष्पक रथ का कुछ चीज मिल जाए हो, कि वनवास में जब गए थे उधर भी जो जो बातें बोला जाता है उससे रिलेटेड कुछ मिले हो। अभी कोई बोल सकता है कि चलो इधर तो एक मूर्ति मिल गया, वो मूर्ति मिल गया, वेरी गुड, लेकिन मूर्ति मिलने से ही वो रामायण का मूर्ति है इसका प्रमाण कैसे होगा? रामायण से जुड़े हुए कोई मूर्ति है इसका प्रमाण कैसे होगा? इसका प्रमाण के लिए पहला जो चाहिए, जो विकास भाई बोल रहे थे, कार्बन डेटिंग हो, आजकल और भी नया टेक्निक निकल के आया, कि वो पहले देखना पड़ेगा वो कितना पुराना है। उतना पुराना है क्या? मिलेगा नहीं, इतना पुराना नहीं है, पुराना होता ही नहीं। आज तक जितने ऐसे हमारे पास ये आया है, क्या बोलते हैं, मोनूमेंट के रूप में, जो प्रमाण के रूप में वो लाने के भी प्रयास किए, एक भी नहीं दिखा पाए कि वो आए हैं उसी पीरियड से। डॉक्यूमेंट के रूप में एक ही चीज, वो वाल्मीकि वाला जो लेख है, बट दिस इज नॉट सफिशियंट, क्योंकि ये किसी का कल्प कहानी भी तो हो सकता है। हम जो साइंटिफिक माइंड से चलते हुए सोचो ब्रेक थ्रू एक्टिविस्ट हैं, हम कैसे चलेंगे? हम बोलेंगे कि इतिहासकार आर्कियोलॉजिस्ट जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी लेकर चलते हुए, पहले उनको स्टडी तो करने दो, स्टडी करने के बाद वो अगर ऑब्जेक्टिवली एक निष्कर्ष में पहुंचे तब हम मानेंगे वो इतिहास है। उससे पहले अगर आप क्लेम करो कि वो इतिहास है, वो अनसाइंटिफिक है, अनसाइंटिफिक है, वो गलत है, उसको हम मानेंगे नहीं। और भी तुम्हें क्या, कैसे आप लोगों को कैसे बताओ, वाल्मीकि ने सिर्फ रामायण नहीं लिखे थे, उसके बाद भी वो दो चीज लिखे थे। उसका एक नाम है जो रामायण से जुड़ा हुआ कुछ कहानी मिलता जुलता है, एक नाम है योगा वशिष्ठ और एक नाम है अद्भुत रामायण। और कहानी के रूप में आप अगर देखो तो मूल राम उधर भी है, लेकिन कहानी में अंतर है काफी। वहां सीता को काली के रूप में दिखाया जा रहा है, लक्ष्मण मैं भूल जा रहा हूँ, ऐसे कुछ घटना हुआ जिससे सीता गुस्से में आकर एकदम हलचल मचा रहा है पृथ्वी पर, इस ढंग से दिखाया गया। देखो उसी वाल्मीकि का ही लिखा हुआ और एक ग्रंथ है, आप उसको क्यों नहीं इतिहास मानोगे? तो मतलब ऑब्जेक्टिव प्रूफ चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है? कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, हो सकता है उस समय खाना बनाने वाले जो चीजें उन लोगों ने उस रामायण में लिखे हुए हैं उसका कुछ चीज मिल जाए, जंग में व्यवहारित हुआ जो तीर है धनुष है जो भी है कुछ तो मिले। अब जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कतई इस निष्कर्ष और इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे हिस्ट्री के रूप में, इतिहास के रूप में। और एक चीज मैं बता दूं, जैसे इरफान अहमद जी आप लिखे हैं, माइथोलॉजी कंप्लीटली इमेजिनेशन, नो, कोई भी इमेजिनेशन हम जब सोचते हैं आउट ऑफ द ब्लू नहीं होता है, आसमान से टपक के मेरा दिमाग के अंदर एक सोच एक कल्पना आ गया है होता ही नहीं कभी। उसका भी कुछ मेटेरियल कंडीशन चाहिए होता है, उसका भी कुछ वस्तुगत परिस्थिति समाज में मौजूद होना चाहिए होता है। हाँ, उसके ऊपर बैठते हुए उसके ऊपर चढ़ते हुए मैं थोड़ा और बढ़ा सकता हूँ। तो रामायण एक्चुअली मैं बताऊं, मेरा जो समझदारी है, ऐतिहासिक लोगों को सच में इसको स्टडी करना चाहिए और यही चीज निकालना चाहिए कि उस समय का समाज कैसा था, उसके साथ रामायण का क्या संबंध है। और उनका स्टडी ऐसे होना चाहिए
कि वो जब जा रहा है ये मान के नहीं जा रहा है कि रामायण इतिहास है, वो जा रहा है यही सोच देखने के लिए एक हाइपोथेसिस के रूप में कि सोचो रामायण अगर इतिहास है तो क्या क्या सबूत है उसका सपोर्ट में। एक चीज होता है देखो विकास भाई, आपने क्वेश्चन किए थे कि आजकल तो बहुत बच्चे लोग होते हैं, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं रिसर्च के लिए जाता है, एक डिफरेंस है इधर जिसके लिए हम लोग कभी कभी विरोध भी करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का एक स्टेटमेंट है, कोट है, वो बोलते हैं दो तरीके का लोग आपको मिलेगा। एक लोग मिलेगा कि प्रमाण है इसीलिए वो मानता है, प्रमाण है इसीलिए वो मान रहा है ये इतिहास है, और एक तरीका मिलेगा, और एक तरीके का लोग मिलेगा आपको जो विश्वास करता है इसीलिए प्रमाण ढूंढ के लाता है। मैं मान ही ले रहा हूं, विश्वास ही कर लिया हूं कि रामायण इतिहास है, तो मैं उसके लिए प्रमाण ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा। हो सकता है ऐसा कुछ प्रमाण हो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करे, उसको मैं छुपा के रखूंगा क्योंकि मेरा लक्ष्य है इसको प्रमाण ही करना कि ये इतिहास है। हमारी भारतवर्ष में अभी जो माने जिस तरीके से रामायण महाभारत को और पढ़ाओ और रिसर्च करवाओ इस ढंग से लिया जा रहा है, वो एक्चुअली ये दूसरा वाला है। वहां इंस्ट्रक्शन ही दिया जाता है कि तुम्हें प्रमाण ढूंढ के लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं, इस किताब में भी नहीं आता है, 2002 एंड 3 में मुरली मनोहर जोशी जब एडुकेशन मिनिस्टर था, कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा जगह को लेकर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन किया था, मतलब मिट्टी खुदाई किए थे, खुदाई करके वो ढूंढ रहे थे महाभारत में जो इतना बड़ा जंग की कहानी है उसका कोई प्रमाण अगर मिल जाए तो प्रमाण कर देंगे महाभारत इतिहास है। ढूंढ नहीं पाए कि उसको लेकर चर्चा होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका लक्ष्य था प्रमाण करने का कि महाभारत इतिहास है। जो फेल हो गया तो उसको सप्रेस कर दिया, वो जो उसको जो मिला नहीं इसका खबर भी तुम्हें मिलेगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य वैज्ञानिक एक सच ढूंढने का नहीं था, इतिहास को एक साइंटिफिक तरीके से एस्टेब्लिश करने की मोटिवेशन से नहीं था, वो एक अनसाइंटिफिक तरीके से एक विश्वास को प्रतिष्ठित करने के लिए वो खोद किया गया था, वो जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन की बात कर रहा हूँ ये किया गया था। अच्छा, तो ये वाला पार्ट को लेकर मुझे पता नहीं मैं सारे क्वेश्चन क्या क्या था इससे रिलेटेड, साधना जी आप थोड़ा एक बार बोलेंगे, मैं अगर कुछ मिस कर गया हूँ तो। जी, इसमें सवाल के जवाब तो आ गए हैं। ये जो मैंने सवाल रखा था उस पर जवाब नहीं आया है कि जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो उसको कैसे हैंडल करेंगे। और लिपि का एक सवाल आया था कि राम सेतु और बहुत सारी जगह में जो मूर्तियां मिल रही हैं वो भी एविडेंस के रूप में ही लिया जा रहा है, उसको हम कैसे वो वेरी गुड, पहली करेंगे। बात है जो मूर्तियां हैं, मैं उसके बारे में बताया हूँ। पहली बात है वो मूर्तियां कितना पुराना है, ये तो क्वेश्चन है। पहली देखो, रामायण कितना पुराना है, राम अगर होते तो कितना पुराना होते, ये क्वेश्चन में मैं नहीं जा रहा। मैं एटलीस्ट जानता हूँ कि वाल्मीकि का रामायण लिखा गया है 700 to 600 BC बिफोर क्राइस्ट, इस पीरियड में। तो कोई भी मूर्ति आपको मिले एटलीस्ट उस एज तक तो होना चाहिए कार्बन डेटिंग करते हुए। लिपि जी आप समझ रहे हैं ना, अगर वो ना मिले, सिर्फ एक मूर्ति मिल गया इसके आधार पर कुछ नहीं होता। पुराना पुराना मूर्ति आज भी लोग बना दे सकते हैं, आज तो टेक्नोलॉजी के लिए हम बहुत हाई है, ऐसे करके बना देंगे दिखने में लगेगा ये तो पुराना जमाने का ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कार्बन डेटिंग वगैरह में वो फेल हो जाएगा। तो मूर्ति मिलना ही सब कुछ नहीं है, उस मूर्ति उस समय का है कि नहीं, उस समय का अगर है भी, आपका जो ओवरऑल कहानी है उस कहानी के साथ इसका क्या लेना देना है इसको भी तो एस्टेब्लिश करना होगा, समझ रहे हो, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप राम सेतु के बारे में जो बोले हो, ये एक्चुअली एक जियोफिजिकल फेनोमेना है। समुद्र में हम, आप लोग अगर थोड़ा बहुत जियोग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि आइलैंड समुद्र की मिडिल में आइलैंड कैसे बनता है। आइलैंड मतलब जो द्वीप होता है, जैसे सोचो हमारा अंडमान निकोबार है इस टाइप का जो द्वीप होता है, कैसे बनता है, दो तीन तरीका है। एक तरीका तो है कि उधर वो जो वोल्केनिक इरप्शन से जो होता है, क्या बोलते हैं, लावा वोल्केनिक उससे होता है, और दूसरा और एक तरीका है कि समुद्र में जो कारेंट होता है, जो स्रोत होता है पानी का, उसमें जब टकराव होते हैं कुछ कुछ जगह में पानी में स्रोत नहीं रहता। सोचो इधर से भी स्रोत आ रहा है, इधर से भी स्रोत आ रहा है, जब वो टकर रहा है इधर इस पर्टिकुलर जगह में कोई स्रोत नहीं होता। स्रोत मतलब कारेंट, मतलब वाटर का जो कारेंट है, फ्लक्स है, वो नहीं होता। तो उससे क्या होता है, ये जो स्रोत जब उधर से, सोचो मेरा लेफ्ट से आ रहा है, वो जब आ रहा है एक गति के साथ, वो छोटे 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 सैंड का जो पार्टिकल होता है, सिलिका का पार्टिकल होता है, उसको लाता है। इधर से भी जो लाएगा वो भी ऐसे सिलिका और सैंड का पार्टिकल लाएगा, पर जब स्रोत नहीं रहेगा इस जगह में आकर, वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे सेडिमेंट करता है, वो नीचे नीचे गिर जाता है, प्रेसिपिटेट करता है, करते 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 वहां देखा जाता है कि वहां का जो डेप्थ हुआ करता था, उसका जो गहीरता था, वो घटता जाता है। आप अगर भारत और श्रीलंका का आप अगर देखो तो देखोगे एक तरफ है बे ऑफ बंगाल वाला जो समुंदर, दूसरी तरफ है अरबियन सी,
देखा जाता है, ये जो चैनल है, चैनल मतलब भारत और श्रीलंका का बीच में, इस जगह में एक्चुअली पानी का स्रोत जो है बहुत कम है, जिसके कारण वहां धीरे 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 सेडिमेंटेशन, प्रेसिपिटेशन, इसके कारण एक जगह ऐसा आया जहां उसका जो क्या बोलते हैं डेप्थ, पानी का डेप्थ, गहरता कम है, और ऐसे जगह में फॉर्म होता है कोराल। कोराल बोल के एक चीज, आप कोराल रीफ आप सुने होंगे, एक सामुद्रिक प्राणी है जो स्ट्रॉन्ग, उसका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है। कोरल रीफ आप सुने होंगे, वो जैसे वो जो मसल्स माने सामुख होता है, झिनुक होता है, उस टाइप का चीजें। तो ये एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर करते 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 ऐसे लगता है कि वो एक वाल जैसा तैयार कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी डेप्थ कम हो गया था, उसके ऊपर ये सारे जमते 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 एसेंशियल, क्योंकि वहां करंट नहीं है पानी का। तो भारत और श्रीलंका की मिडिल में ये जो सेक्शन है, ये एक्चुअली एक कोरल रीफ है। इसके साथ सुपरनेचुरल पावर की कोई बात नहीं है कि एक ईटा में राम ने छू दिया कि इसका नाम लिख दिया तो वो तैरने लगेंगे, अगर तैरेंगे भी तो वो रुकेंगे क्यों, इस क्वेश्चन का उसका कोई आंसर नहीं है। और उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे भारत और श्रीलंका के अंदर आपको ऐसे एक कोरल रीफ दिखता है, ये एक सिर्फ इधर ही है ऐसा नहीं, ऐसे कई 200 ऐसे हैं पृथ्वी में जहां जहां आपको पानी का स्रोत ऐसे कम मिलेगा। पर्टिकुलरली दो समुंदर जब एक जगह में मिल रहा है कोई चैनल में, उस जगह में आपको मिलेगा। और एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा, वो जो कनाडा का जो नॉर्थ और रशिया का जो, कनाडा का नॉर्थ मतलब कनाडा का नॉर्थ ईस्ट और रशिया का नॉर्थ वेस्ट जहां मिल रहा है, उधर भी ऐसा है यार, ये सच में बहुत जगह है। और उनका वो बनने के लिए उधर कोई राम की ईटा की जरूरत नहीं पड़ा, कि पत्थर की जरूरत नहीं पड़ा। लिपि जी आपका क्वेश्चन का आंसर आया, समझ रहे हो, आपको कोई बोल देने से ही आपको बोलना पड़ेगा कि ये क्या यूनिक है, ये सिर्फ इधर है क्या, उधर भी तो है, तो क्या उधर भी राम सेतु, राम ये जो हनुमान जाकर बनाए थे, इसका आंसर कहाँ होगा। तो ये जस्ट वो अपनी जो स्टोरी है, रामायण का जो कहानी है, इसको प्रमाण करने के लिए वो जबरदस्ती इस टाइप का इलॉजिकल बातें उठाता है, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अगर बेसिस होता, हमारी देश का जो इतिहासकार है वो इतना क्या अनसाइंटिफिक है क्या, अभी तक वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश करते थे, इनके लिए वेट थोड़ी करते है ना। लिपि जी आपकी बात का आंसर आया थोड़ा बहुत, जी सर थैंक यू। साधना जी, अच्छा दिनेश दा क्या करें, तो क्या अभी तो सेकंड क्वेश्चन, किसका सवाल आया क्या, प्रशांत जोशी रेज हैंड। साधना जी का एक क्वेश्चन रह गया, मैं लास्ट में शायद उसको डील करते हुए खत्म कर दूं क्या, दिनेश दा? नहीं वो गलती से दब गया। अच्छा दिनेश दा, साधना जी का एक क्वेश्चन है कि आज की स्थिति में ये जो रामायण और राम मंदिर, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा, इसको लेकर इतना एक इमोशनल एक परिस्थिति। हाँ, मुझे लगता है कि तुम उसको टच करके कंक्लूड करो, क्योंकि अभी 9:27 हो गया है, आज हम लोग दो सवाल पर डिस्कशन स्टॉप रखे, क्योंकि हम लोगों को आज कुछ बातचीत भी करना पड़ेगा कि ये जो हम लोगों का कंडक्शन किस तरीके से होगा इस विषय पर, तो ये मेरा सुझाव है, क्या ये हो सकता है? इसको ना थोड़ा और बेहतरीन तरीके से लेकर चर्चा करना चाहिए। मैं छोटे से थोड़ा सा बता दूं, हो सकता है वो हिंट की तरह होगा। देखिए हम लोग, हमारी मन में कुछ भी हो, कोई भावना हो, कोई इमोशन जिसको बोलते हैं भाव हो, कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे इन मटेरियल कंडीशन से ही लिमिटेड है। मतलब क्या है, हम भावुक होकर बहुत समय तक नहीं चल सकते, क्योंकि हमारा जिंदगी ही, मतलब जी ही रहते जीते हैं ऑलरेडी एक कॉन्ट्रडिक्शन में, मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शन मतलब ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रडिक्शन में। समाज के अंदर बचने के लिए भूख है, खरीदने का क्षमता है, शिक्षा है कि नहीं, स्वास्थ्य है कि नहीं, ये जो वास्तवता है। प्रकृति के साथ भी हमारा लड़ाई है, कोविड आएगा कि नहीं, इस साल थोड़ा ज्यादा ठंडी हुई है कि नहीं, क्लाइमेट चेंज के कारण बरसात ज्यादा हो गया कि नहीं, ये भी हमें लड़ाई करना पड़ता है। तो देखिए मैं कहने क्या चाहता हूं, भावुक होकर कोई अगर मोमेंटरीली भी कुछ करे, उसी भावुक रहते हुए वो जिंदगी गुजार देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी ऐसे मौका जरूर आएगा, स्थिति ऐसे आएगा
कि वो वास्तवता को उभरते हुए, वो ज्यादा भावुक होते हुए उसमें कुछ दिन के लिए दिन बिता दे, ऐसा हो सकता है, बट वो पूरा के पूरा जिंदगी भर ऐसे कर पाएंगे ऐसा? तो इसीलिए हम लोगों का जो होना चाहिए वो जितना भी भावुक हो अब उनको वास्तवता की तरफ लाओ। मतलब क्या, आप प्रश्न करो जो जिंदगी से जुड़े हुए, कितना ब्यूटीफुली विद्यासागर ने इसको एड्रेस किए थे, कितना ब्यूटीफुली। उनको पूछा गया तुम भगवान मानते हो, उनका आंसर क्या था, वो ना नहीं बोले डायरेक्टली, ना वो दूसरी जगह में बोले, बट उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में वो डायरेक्टली ना नहीं बोले। क्या बोले थे वो बोल रहे हैं कि हम हमारी चारों ओर गांव से गांव भूखे महामारी से उजाड़ हो जाएगा, बच्चे बच्चे को खाना नहीं मिलेगा और रास्ते में तड़पते तड़पते मरेंगे, ठंडी में जाड़ में लोग ऐसे ही पशुओं की जैसा मरते जाएंगे, और मैं देखता रहूंगा और उसके बाद भगवान भगवान करूंगा, इतना भगवान प्रेम हमारा नहीं है। देखिए किससे को कन्फ्रंट किए हैं, किसको देकर इसको फाइट किए हैं, वास्तवता से, और उस वास्तवता को सिर्फ तर्क नहीं इमोशन के साथ उलाए हैं। इसका मतलब ही है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं आपको, हमारा विदेश में अभी तो हमारा ब्रेकथ्रू का बहुत ही क्लोज है, बहुत मतलब कोर बॉडी में है, वो आते हैं राजस्थान का एक ये है गर्ल है, मतलब लड़की है, राजस्थान की एक ब्राह्मण परिवार से आता है, कहानी बाद में बताऊंगा बट को ट्रैक सही है। तो वो हमारे साथ जब इंटरेक्शन हुआ, जब तर्क विचार करते 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 उनके अंदर से जो भगवान से लेकर जो भी सोच विचार था वो पूरा चला गया, वो अभी कंप्लीटली अपोजिट है। तो नेचुरली घर के साथ उसका कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो गया, घर वाले बोलते हैं तुम सुबह उठ के पूजा करो, इससे दिल अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा, ये सब है, जिस उनका अपनी विश्वास है, पर्टिकुलरली उसका मम्मी उसको जबरदस्ती बोलने लगते हैं। तो हम लोग को बातचीत होने के बाद हम लोग इस ढंग से इसको फाइट किए थे, और अभी स्थिति बदल गया। कैसे फाइट कर रहे हैं कि देखो अच्छा आप मंदिर में तो जाते हो, बहुत अच्छी बात है, भगवान करता क्या है, तो सबको देखभाल करता है, सबका अच्छा ही करता है। तब वो प्रश्न उठा रहा है कि जो हमारे देश में हर साल 5 लाख के करीब बच्चियों को मां की कोख में ही मार दिया जाता है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जन्म तक पहुंचा ही नहीं गया, इसके लिए भगवान क्या करता है? छोटे छोटे बच्चियों को 3 साल से लेकर उससे भी कम 6 महीने तक बच्चियों को आजकल रेप किया जाता है, उसका क्या पाप है, क्या पुण्य की बात हो सकता है उसके लिए, इस एज के लिए भगवान क्या करता है? इसी तरीके से धीरे 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 करके जब तो प्रश्न इमोशनली उठा रहा है, इमोशनल, क्योंकि इमोशन को आपको फाइट करना होता है कभी कभी इमोशन से, साथ में तर्क। तो इसीलिए समाज परिवर्तन ही नहीं, एक आदमी को भी परिवर्तन करने के लिए सिर्फ तर्क से काम नहीं चलेगा, आपको इन दोनों को मिलाते हुए जब आप लाएंगे, क्योंकि इंसान है मतलब एक सामाजिक रूप में एक समाज में रहता है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ भाव रहेगा, भावुक मतलब इमोशन रहेगा, आप उसको हथियार करो और साथ में उसके साथ तर्क लाओ। देखो जो एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 3 दिन में वो आएगा ही आएगा तर्क में, इसका कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हर चीज को, क्योंकि आप देखो वो इमोशनल है, वो लॉजिकली नहीं है, तो उससे लॉजिकली कैसे फाइट करोगे? राम को लेकर इमोशन आता है, उसके कारण कोई लॉजिक इशू नहीं रहा, तो आप लॉजिकली क्या करोगे? आपको भी इमोशन को देते हुए साथ में लॉजिक ले जाना है, तब जाकर आप चेंज कर पाओगे। मैं इसको और बेहतरीन रूप में कभी जरूरत पड़ेगा तो चर्चा करूंगा, आज इससे ज्यादा तो और समय नहीं होगा। सतना जी, थोड़ा बहुत मैं समझा पाया हूँ? जी जी ठीक है, ठीक है। दिनेश दा, हाँ ठीक है। तो तुम हमारा जो उस दिन जो चर्चा हुआ था कि क्लास हम लोग कैसे कंडक्शन करेंगे और इसके उद्देश्य को लेकर उपस्थित किए और सभी का एक सुझाव भी इसके लिए चर्चा बहुत हुआ है, शुरुआत ये हम लोगों को भी थोड़ा सिस्टमेटिक होना होगा, तो स्टेट इंचार्ज ऑब्वियसली इसको ध्यान रखें कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, अगर नहीं आए तो क्या कारण हो सकता है, अगर जरूरत पड़े मदद करना, जो भी है इंश्योर करना कि एटलीस्ट इस क्लास में ना आ पाए नेक्स्ट क्लास में आए।